आप सभी को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग में। आज मैं एक और कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है द पोस्टमास्टर। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक शॉर्ट स्टोरी है, तो आइए सुनते हैं। गुरुदेव ने ये कहानी जब लिखी थी दोस्तों 1891 में, तब भारत पर ब्रिटिश राज था, और ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ब्रिटिश सरकार में पोस्टमास्टर की नौकरी करता है। बंगाल राज्य के उलापुर नामक एक ग्राम में एक नील की फैक्ट्री के ब्रिटिश मालिक ने सरकार को उस गांव में एक पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए मना लिया था। इसी पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमास्टर को कोलकाता से भेजा गया। ये पोस्टमास्टर एक नवयुवक था। उसे अपने बड़े और भागदौड़ वाले शहर के मुकाबले ये गांव बिल्कुल नहीं भाया। वो कोशिश करता है मन लगाने की, पर उसके पास कोई था ही नहीं जिससे कि वो दो बातें कर सके। वो स्वयं को कविता लिखने के लिए प्रेरित करता है ताकि उसका मन लग सके, पर सब व्यर्थ। गांव के ज्यादातर लोग उसी नील बनाने की फैक्ट्री में काम किया करते थे। पोस्टमास्टर को उनकी बातों में जरा भी रुचि ना थी, क्योंकि वो पोस्टमास्टर जितने ना तो शिक्षित थे ना ही उनके पास इतना समय होता था। कुल मिलाकर वो इस गांव में एकदम अकेला हो गया था और उसे यहाँ जीवन नीरस लगने लगा। ऐसे अकेलेपन में उसे उसके घरेलू काम में मदद करने वाली लड़की रतन में एक साथी दिखा। पोस्टमास्टर को रतन से बातें करना अच्छा लगता। रतन एक अनाथ और गरीब 12 या 13 वर्ष की लड़की थी, जिसे पोस्टमास्टर ने घर के छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया था और बदले में वो उसे खाने को देता था। दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में पूछते, अपनी यादें और सुख दुख बांटते। ऐसे ही बातें करते करते रतन पोस्टमास्टर को अपना परिवार मानने लगी। बारिशों के मौसम में एक दिन प्रकृति की सुंदरता निहारते हुए पोस्टमास्टर को किसी प्रियजन के साथ होने की तीव्र इच्छा हुई, पर वहां उसके पास कोई भी नहीं था। फिर उसने रतन को पुकारा और उसे पढ़ना लिखना सिखाने की सोची और बाकी पूरी दोपहर उसे पढ़ाया। रतन बहुत कम समय में काफी सीख गई थी। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था और बारिशें भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि एक दिन अचानक पोस्टमास्टर बीमार पड़ गया। उसे काफी तेज बुखार आ गया। ऐसे में उसे ममत्व की दरकार थी। माँ या बहन के हाथों का स्पर्श याद आया उसे, और उसे एक नारी की देखभाल मिली भी, रतन के रूप में। रतन अब एक छोटी लड़की से पोस्टमास्टर की माँ बन गई थी। उसने गांव के डॉक्टर को बुलाया और दिन रात पोस्टमास्टर की सेवा करी, जिससे कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। पर इस चक्कर में रतन की पढ़ाई का सिलसिला रुक गया। वो रोज इस इंतजार में रहती कि शायद उसे पढ़ाने के लिए पोस्टमास्टर आवाज दे दे, पर ऐसा नहीं हुआ। उधर पोस्टमास्टर इस नीरस जीवन और अपनी बीमारी से तंग आकर इस गांव से चले जाने का निश्चय करता है। वो यहां से ट्रांसफर लेने की सोचता है। रतन वापस अपना पुराना काम करने लग गई थी। वो रोज पोस्टमास्टर की पढ़ाने को बुलाने की आवाज का इंतजार करती। वहां पोस्टमास्टर अपनी ट्रांसफर की अर्जी के जवाब का इंतजार करता। रतन अपने पुराने सबक बार बार पढ़ती कि वो उन्हें कहीं भूल न जाए, और एक दिन पोस्टमास्टर ने शाम के वक्त उसे आवाज दे ही दी। रतन को लगा शायद अब उसे आगे पढ़ाएंगे, पर पोस्टमास्टर ने रतन से कहा कि वो कल अपने घर लौट रहा है और कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ट्रांसफर की अर्जी रिजेक्ट हो गई है, तो उसने रिजाइन कर दिया है। रतन ने उससे कुछ नहीं पूछा। दोनों काफी देर तक चुप रहे। फिर रतन उठी और किचन में खाना तैयार करने लगी, पर आज उसके कामकाज में फुर्ती ना थी। जब पोस्टमास्टर ने खाना खा लिया तो रतन ने एकदम से उससे पूछा, भैया क्या आप मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने उसकी ये गुजारिश हंसी में उड़ा दी, ये कहते हुए कि ये कैसे हो सकता है। रतन को पूरी रात पोस्टमास्टर की हंसी सताती रही। सुबह पोस्टमास्टर ने उसे बुलाया और कहा कि मेरे स्थान पर जो आ रहे हैं
मैं उनसे तुम्हारा ध्यान रखने को कह जाऊंगा। रतन से ये बात सहन ना हुई। हालांकि वो अच्छी अच्छी डांट सह लेती थी, पर उससे ये बात सहन ना हुई। उसने पोस्टमास्टर से कहा कि किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ रहेगी ही नहीं। पोस्टमास्टर हतप्रभ था, उसने रतन का ये रूप देखा ही नहीं था। नया पोस्टमास्टर आ गया और पुराने पोस्टमास्टर के जाने का समय भी आ गया। उसने जाते वक्त एक आखिरी बार रतन को बुलाया और अपनी पूरे महीने की तनख्वाह उसे देनी चाही, पर रतन ने उसे स्वीकार नहीं किया और रोते हुए वहाँ से भाग गई। पोस्टमास्टर भी अपने रास्ते चल पड़ा। नाव से कोलकाता जाते वक्त एक बार उसे ये ख्याल भी आया कि लौटकर रतन को साथ ले ले, पर फिर उसने खुद को समझाया कि मिलना बिछुड़ना तो संसार की रीत है, रिश्तों से क्या मोह बांधना। रतन को इतने दार्शनिक विचार नहीं आते थे। वो भोली सी लड़की थी और उसका सीधा मन पोस्टमास्टर का इंतज़ार करने लगा कि वो उसे वापस साथ ले जाने को ज़रूर लौटेगा। और कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, यहाँ पर कहानी में विरोधाभास देखिए। जब रतन को साथ ले चलने की बात आई तो पोस्टमास्टर को मोह में पड़ना उचित नहीं लगा, क्योंकि मिलना बिछड़ना तो संसार की रीत है। और वो इस गांव से जा भी मोह की वजह से ही रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला था। उसको किसी साथी की चाह थी, उसे अपने परिवार से मोह हो रहा था, इसी वजह से तो वो यहाँ से जा रहा था। पर जब किसी और की जिम्मेदारी लेने की बात आई तो उसने ये आसान रास्ता निकाल लिया। कहानी ये दर्शाते हुए समाप्त होती है कि इंसान झूठी आशा के भरोसे खुशियाँ ढूंढता है, जो अंततः उसके दुख ही का कारण बनती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मर्मस्पर्शी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बाकी वीडियोस ज़रूर देखें, और अगर उचित लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब विदा दीजिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ लौटूंगी। नमस्कार।